वो चांदी सोने के तवक से बना हुआ रहता है, मसाला उसका अलग रहता है, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है उसी से बनता है मसाला। वो देखिए ये सब अपना मसाला है जो हर जगह मिलता नहीं है, हम लोग अपना बनाते हैं, जो खुशबू होता है उसके अनुसार सबको जज जाता है, वही अपना जिसको पसंद भी है वो आकर अपना खाते हैं। वो लोग हम लोग का करीबी है, करीबी है, आपके दिल के भी करीब है एकदम। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए लाइव सिटीज की टीम इस वक्त राजधानी पान भंडार में मौजूद है। आपको पता है कि आज तेजस्वी यादव ने इसी पान दुकान से पान खाया था और खूब चर्चा भी हो रही थी। तो देखिए इस वक्त हम भी यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ पर आ गए, वही वाला पान खाएंगे जो तेजस्वी यादव ने भी खाया था और बातचीत भी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन जी, पान आप ही ने खिलाया था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को? नहीं, मेरे भाई खिलाए थे, अभी वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, कौन वाला पान खिलाए थे? उनको स्पेशल खिलाते थे। स्पेशल पान? कौन सा स्पेशल पान होता है, उसमें क्या होता है स्पेशल पान में? वो चांदी सोने के तवक से बना हुआ रहता है, मसाला उसका अलग रहता है, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है उसी से बनता है मसाला, उसी से बनता है। तो ये बताइए कि जब तेजस्वी यादव यहाँ से पान खाते हैं तो पैसे भी देते हैं आप लोगों के, मुफ्त में खाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको मन ये देते हैं, कभी बाद में भी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो इस बार पैसा मिला, पान खिलाया तो कुछ पैसा दिए आपको? कितना पैसा मिला है? वो जो दिए रख लिए, हम गिने नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जाने के बाद आप देखे नहीं होंगे? नहीं, हम लोग अपना है, उन लोग अपना अपन चलते रहता है, तो हम लोग सब नहीं देखते हैं कि कितना दिए नहीं दिए, वो सब नहीं देखते हैं। अच्छा, जब देते हैं तो कितना देते हैं? वो 1500 दे देते हैं। एक पान का 1500 रुपया वो दे के जाते हैं। ऐसे पान का प्राइस कितना है? वो जो स्पेशल पान जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है? 1500 वो दे देते हैं, फिर बाद में भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि उनके पिता लालू जी भी यहाँ से पान खाते थे? वो तो भैया लोग खिलाते थे, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, बस आते थे यहाँ पे। लेकिन आते थे यहाँ पर, ये मालूम है आपको कि लालू जी भी यहीं आकर पान खाते थे? आते भी थे और वहाँ क्या बोलते हैं, आवाज पे भी। आ जाइए जी, बोलिए। आते भी थे, 10 नंबर में पान जाते थे, बोलिए। वो लोग आते भी है और कभी कभी अपना स्टाफ और बैठा कर अपना पान ले मंगवा लेते हैं। अच्छा, मतलब इतना पान के शौकीन है कि आते भी है पान खाने के लिए और पान जो है आवास पर भी पहुंचाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस पान में ऐसा क्या स्वाद होता है, ऐसा क्या मजा होता है कि लालू जी भी दीवाने हैं, तेजस्वी जी भी इस पान के दीवाने हैं? वो देखिए ये सब अपना मसाला है जो हर जगह मिलता नहीं है, हम लोग अपना बनाते हैं, जो खुशबू होता है उसके अनुसार सबको जज जाता है, वही अपना जिसको पसंद भी है वो आकर अपना खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लगा, तेजस्वी जी आए हैं, लालू जी भी आते हैं, तो कैसा अनुभव करते हैं? अच्छा अनुभव करते हैं। यहाँ पे तो बाकी पान दुकान वाले आपसे खूब जलते होंगे? अब ये तो नहीं जानते जलते कि नहीं जानते, उस पे वो निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए कि लगाव से पान खिलाते हैं तेजस्वी जी को कि ये चाहते हैं कि चलो पान खिला दिया तो दुकान का नाम होगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, वो लोग हम लोग का करीबी है। करीबी है आपके? दिल के भी करीब है एकदम। तो जब आते हैं तो खूब खुशी से पान पेश करते हैं, अच्छा लगता है। तो हमको तो पान खिला ही नहीं, खिलाएंगे आपको। अच्छा, भी खिलाएंगे, हमको भी खिलाइएगा। जी जी। तो देखा आपने कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए साफ कह रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव भी यहाँ आते हैं और इसी दुकान से पान खाते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि इस पान को वो अपने आवास पर भी मंगवाते हैं और वहाँ भी खूब मजे से पान खाते हैं। तो देखिए इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।